श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। सत्य अहिंसा अनेकांत को अर्पित जिसका तन मन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। जिसके सांसों में रहता है शाश्वत शांति का स्पंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन, उस महाप्रज्ञ को वंदन। समय बीत रहा है, चिंतन ये करना कि वह सफल हो रहा है या असफल हो रहा। इस चिंतन के आधार पर आगम साहित्य में बतलाया गया अहम मंकुण मानस से, जो व्यक्ति धर्म का आचरण नहीं करता उसका समय विफल होता है, फलवान नहीं होता। धम्मम च कुण मानस से सफला जंती राहियो, जो धर्म का आचरण करता है उसका जीवन सफल होता है। यह एक आगमिक चिंतन है। हम व्यवहार के धरातल पर चिंतन करें तो एक सूत्र और हमारे सामने आता है कि उद्यमम साहसम धैर्यम, और आगे तत्र देव सहायक। आदमी अपने पुरुषार्थ से सफल होता है। जो पुरुषार्थ करना नहीं जानता वह सफल नहीं होता। कुछ लोग देवता की आराधना करते हैं, साधना करते हैं कि देवता सहयोग करेगा, हमारे कार्य में सहायता करेगा। इस पर भी बहुत चिंतन हुआ तो चिंतन के बाद एक निष्कर्ष सामने आया कि तत्र देव सहायक है। देवता सहायक कहाँ बनता है? उद्यमम, पहली बात कि जहाँ आदमी पुरुषार्थ करता है, उद्यम करता है, वहाँ तो कोई देवता भी सहायता कर देता है। जो निकम्मा है उसकी कोई देवता भी सहायता नहीं करता। एक छात्र अच्छी पढ़ाई कर रहा था और बहुत सफल हो, तो दूसरे छात्रों ने पूछा कि तुम सबसे आगे जा रहे हो, बहुत सफल हो रहे हो, इसका राज क्या है, मैं भी बताओ। तो उसने कहा, मैं सरस्वती की साधना करता हूं, आधा घंटा साधना करता हूं और फिर 3 घंटा पढ़ाई करता हूं, मेरी सफलता का यह कारण है। दूसरे छात्रों ने सोचा कि यह अच्छा हाथ में लग गया कि यह सरस्वती की साधना करता इसलिए सफल हो रहा है। उन्होंने भी सरस्वती की आराधना शुरू कर दी। परीक्षा का समय आया, सफल नहीं हुई। उसके पास गए कि तुमने धोखा दिया, तुम कह रहे थे कि मैं सरस्वती की साधना करता हूँ, पाठ पढ़ता हूँ, हमने की, हम सफल नहीं हुए, सब फेल हो गए। तो उसने कहा, भैया ये बताओ कि सरस्वती की साधना तुमने की, बाद में पढ़ाई की या नहीं, कि फिर जरूर क्या है, जब सरस्वती की साधना कर रहे हैं तो जरूर क्या है, अपने आप ही करेगी सारा काम। उसने कहा, यही तुम्हारी भूल हो रही है, मैं साधना करता हूं तो मुझे यह बोध मिलता है कि साधना करो, साथ साथ में पुरुषार्थ करो, उद्यम करो, अपना उद्यम करो, तब सफलता मिलती है।
और तुमने साधना तो की, आराधना की देवी की, और श्रम किया नहीं। तत्र देवो न सहायक है, वह देव कोई सहायक नहीं बनता। आदमी अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं करता, पुरुषार्थ को काम में नहीं लेता। एक बैलगाड़ी जा रही थी, वर्षा का मौसम था और दलदल कीचड़ में फंस गई। अब जो गाड़ी का मालिक था नीचे उतरा, और नीचे उतर कर और अपने इष्ट को याद करने लगा कि हे देव आओ और मेरी गाड़ी को निकालो। बार बार बोल रहा है हे देव आओ और मेरी गाड़ी को बाहर निकालो। न कोई देव आया, न कोई गाड़ी बाहर निकली। इतने में एक राहगीर उधर से गुजरा, उसने देखा और कहा क्या मूर्खता कर रहा है कि तुम्हें पता नहीं मेरा देव मेरी सहायता करता है, और पता नहीं आज क्यों नहीं आया। उसने कहा तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, लो मैं तुम्हारी गाड़ी बाहर निकालता हूं। बलवान था, शक्तिशाली था, एक धक्का दिया गाड़ी बाहर निकल गई। फिर कहा देखो ये ध्यान रखना, जो काम हम कर सकते हैं उसके लिए कभी देव को याद नहीं करना। पुरुषार्थ ही इनका कोई सहयोग नहीं करता। जो हम न कर सके, ऐसी कोई स्थिति आ जाए तब तो ठीक है, अन्यथा अच्छा नहीं है। बहुत प्रसिद्ध बात है, आचार्य भद्रबाहु ने संघ की सुरक्षा के लिए एक स्तोत्र का निर्माण किया। कोई अनिष्ट शक्ति संघ पर कठिनाई पैदा कर रही थी, आपत्ति वर्षा रही थी, उन्होंने स्तोत्र का निर्माण किया और वह सगहरम पासम, जो भी पाठ करता देवता हाजिर होता, विघ्न का निवारण कर देता। अब आदमी कहां उपयोग करना चाहिए इसका विवेक नहीं रखता। एक बार एक महिला रसोई बना रही थी और देखा गाय प्रांगण में खड़ी है, बछड़ा रस्सी को तोड़कर भाग रहा है। उसने पाठ पढ़ा, स्तोत्र का जप किया और देव हाजिर हुआ। कहिए क्या काम है? कि वह बछड़ा भाग गया, उसे लाकर खूंटे पर बांध। ऐसी अनेक घटनाएं हुई। तब देव ने भी भद्रबाहु स्वामी से कहा कि महाराज आपने ये क्या कर दिया, हमारा तो अब उपयोग एक तो बछड़ा बांधने का, और भी कुछ उपयोग घर की सफाई करो, यह करो वह करो हो रहा है, ये क्या आपने किया। तब स्तोत्र को बदल दिया और वह पाठ भी उससे बंद कर दिया। अपने पुरुषार्थ के बिना कहीं भी सफलता नहीं मिलती। सफलता का पहला सूत्र है अपना पुरुषार्थ। हम अपना पुरुषार्थ करें, पुरुषार्थ पर भरोसा करें। दार्शनिक दृष्टि से देखें तो जैन दर्शन का, भगवान महावीर का एक प्रमुख सिद्धांत रहा पुरुषार्थ, कि पुरुषार्थ के द्वारा हम बहुत बदल सकते हैं, बहुत परिवर्तन कर सकते हैं। जो लगता है कि यह नहीं बदल सकता, उसको भी बदल सकते हैं। सो में दो चार घटनाओं की बात छोड़ दें, किंतु 95% घटनाओं में हम परिवर्तन कर सकते हैं, अपने भाग्य को बदल सकते हैं। अगर भाग्य अच्छा है, पुरुषार्थ नहीं, तो भाग्य कमजोर हो जाएगा। भाग्य कमजोर है और अच्छा पुरुषार्थ है तो भाग्य भी बलवान बन जाएगा। हमारे हाथ में है, और इसी सिद्धांत के आधार पर, आत्मकर्तृत्व के सिद्धांत पर कहा गया कि अप्पा कत्ता विकत्ता, ये आत्मा ही सुख दुख करने वाली है, दूसरा कोई करने वाला नहीं है, स्वयं आत्मा ही करने वाली है। इस मर्म को हम समझने का प्रयत्न करें कि हमारे भाग्य का निर्माण कौन करता है।
कोई देवता हमारे भाग्य का निर्माण नहीं करता, कुछ सहयोग कर सकता है। भाग्य का निर्माण स्वयं व्यक्ति ही करता है, अपना कर्म, अपना धर्म, अपना भाग्य, सारा अपना अपना है, पराया कोई काम नहीं देता। इसलिए हमारा अपने पुरुषार्थ पर भरोसा होना चाहिए। जो व्यक्ति पुरुषार्थ करना नहीं जानता अथवा गलत पुरुषार्थ करता है, दोनों बातें हैं, या तो पुरुषार्थ करना नहीं जानता अथवा करता है तो गलत दिशा में करता है, दोनों सफल नहीं हो सकते। सफलता के लिए जरूरी है पुरुषार्थ करें और सही दिशा में हमारा पुरुषार्थ हो सकता है। आप दुनिया के इतिहास को देखें, ऐसे गरीब लड़के, साधारण घर में पैदा हुए लड़के कहाँ पहुंच गए, बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, कोई सब बड़े घरों में नहीं हुए। अब बड़े घरों में तो पैदा होना ही मुश्किल है, वहां का वातावरण ही अच्छा नहीं होता, कोई अच्छा आदमी जन्म सके, बहुत कठिन बात है। बहुत साधारण घरों में पैदा हुए और अपने पुरुषार्थ के द्वारा वे महान बने हैं। आज हिंदुस्तान का राष्ट्रपति, जो वैज्ञानिक भी उच्च कोटि का और राष्ट्रपति है, किसी अरबपति के घर में नहीं जन्मे, एक मछुआरे के घर में जन्मे और बड़ी मुश्किल से पढ़ाई की, खाने को भी पूरी व्यवस्था नहीं थी, पूरी रोटी भी नहीं मिलती थी इस अवस्था में, किंतु पुरुषार्थ किया और व्यक्ति आगे आ गया। एक नहीं, हजारों हजारों जो बड़े बड़े लोग हुए उनका यह इतिहास है। इसलिए यह सिद्धांत हर व्यक्ति के मन में रमा हुआ रहे कि मैं अपने पुरुषार्थ के द्वारा अपने भाग्य का निर्माण कर सकता हूं, दूसरा कोई मेरे भाग्य का निर्माण नहीं कर सकता, सहयोग भी दे सकता है, पर कब? दूसरी बात बतलाई, सफलता के लिए उद्यमम साहसम, साहस है जिसमें वह सफल हो सकता है। कमजोर आदमी सफल नहीं हो सकता, जिसमें मनोबल नहीं, जिसमें साहस नहीं, वह आगे नहीं बढ़ सकता, सफल नहीं हो सकता। साहस बहुत जरूरी होता है। इसके साथ एक घटना जुड़ी है कि एक चोर चोरी कर रहा था, पकड़ा गया, गांव को पता चला तो गांव के लोग पीछे दौड़े और पुलिस को पता चला तो पुलिस भी पीछे दौड़ी। आगे आगे वह जा रहा है, पीछे लोग दौड़ रहे हैं, पुलिस के आदमी भी दौड़ रहे हैं। उसने देखा कि अब तो मैं आगे जा नहीं सकता, पकड़ लिया जाऊंगा। रास्ते में एक देवी का मंदिर आया, उसने सोचा यह अच्छा है, मंदिर में घुस गया और बोला, मां बचाओ, पीछे लोग आ रहे पकड़ने, तुम बचाओ। कोई योग ऐसा बना होगा, देवी खुश हो गई और बोली कि जाओ और मेरी प्रतिमा के पीछे छिप जाओ। माँ पैर इतने थंबे हो गए, अब मैं तो चल नहीं सकता, नहीं जा सकता। तो उसने कहा कि जब लोग आए तो दरवाजा बंद कर देना, कि माँ मैं तो चल नहीं सकता, दरवाजा बंद कर नहीं सकता, हाथ भी निकम्मे हो गए। तो देवी ने कहा चलो कोई बात नहीं, एक काम करो, कि जब वे आए तो हल्ला करना, हल्ला मचाओ, कि माँ मेरे तो कंठ रुक गए, मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तब आके देवी बोली, ऐसे नपुंसक की सहायता मैं भी नहीं कर सकती, ऐसे क्लीब आदमी की सहायता मैं नहीं कर सकती, जिसमें साहस नहीं, अपना मनोबल नहीं,
संकल्प शक्ति नहीं, उसकी कोई दुनिया में सहायता नहीं करता। बहुत लोग कहते हैं मैं बड़ा दुखी हूँ, मुझे भी कुछ भाई मिले यहाँ सरदार शहर में, कहा कि बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा दुखी अपने आप बने हुए, दुखी होने का कोई कारण नहीं है। उद्यम और साहस, और तीसरा धैर्य, उद्यमम साहसम धैर्यम, जिसमें उद्यम है, जिसमें साहस है और जिसमें धैर्य है, प्रतीक्षा करने की शक्ति है। आज बीज बोयर आज ही फल नहीं चाहता, धैर्य रखना जानता है कि जो आज शुरू किया है फल आएगा, वर्ष बाद, दो वर्ष बाद, दस वर्ष बाद। पुरानी जमाने में कहा जाता था 12 वर्षा आम्बो फड़े, आम लगेगा 12 वर्ष के बाद। इतनी प्रतीक्षा करना जानता है, जिसमें इतना धैर्य है, वह व्यक्ति सफल हो सकता है। तीन इतने बढ़िया सूत्र हैं सफलता के, उद्यम, साहस और धैर्य। न तो कोई उद्यम करता, पुरुषार्थ नहीं करता, निकम्मा रहता है, आलस्य है, प्रमाद है, या नशाखोरी है, शराब पी ली दिन भर पड़ा रहता है, या और कोई नशा किया पड़ा रहता है, पुरुषार्थ नहीं है, अथवा वीर्य शक्ति नहीं है। जो एक ओज ऊर्जा वीर्य की शक्ति होनी चाहिए वह भी नहीं है, तो आदमी पुरुषार्थ नहीं कर सकता, काम नहीं कर सकता। सबसे ज्यादा आवश्यक है ऊर्जा। बिजली है, पंखा चलता है, बोल रहा हूं, माइक आप तक पहुंचा रहा है, बिजली है, ऊर्जा है। ऊर्जा नहीं हो तो काम नहीं हो सकता। आदमी विकल्प को जानता है कि सूर्य है तो प्रकाश, ऊर्जा, प्रकाश हो रहा है। सूर्य के अभाव में अनेक साधन बनाए, दिया जलाया, मोमबत्ती जलाई, लालटेन आदि आदि अनेक साधन किए, और वह नहीं है तो एक ऊर्जा पैदा करने का यंत्र भी बना दिया, जेनरेटर। जेनरेटर ऊर्जा या प्रकाश को जेनरेट करता है, उससे प्रकाश मिलता है। हम भी अपनी शक्ति को, ऊर्जा को पैदा कर सकते हैं, कर सकते हैं, पर करते नहीं है। इसका कारण उपाय को नहीं जानते। जो उपाय को नहीं जानता वह कुछ भी नहीं कर सकता। सफलता के लिए बहुत जरूरी है उपायज्ञ होना, उपाय को जानना कि यह काम कैसे हो सकता है, इसका उपाय कैसे है। हम उपाय को जाने, जिन लोगों ने इस सच्चाई को समझा है कि पुरुषार्थ के बिना सफलता नहीं मिलती, वे लोग कभी पुरुषार्थ से जी नहीं चुराते। मैं तो अपना अनुभव कह सकता हूँ, हमने यात्राएं की, यात्राएं तो पहले भी की, करते रहे, किंतु इस अवस्था में शायद पहली यात्रा हमारी। बहुत लोग कम करते, हमारे साधु भी आचार्यों की भी कम हुई है इस अवस्था में। 8वें 9वें दशक में 80 वर्ष के बाद यात्रा करने का शायद सौभाग्य मुझे मिला है, पर मैंने देखा कि यात्रा में कितनी सफलता मिलती है, कैसा वातावरण बनता है, देखने वाले ही जान सकते हैं, दूसरे कल्पना भी नहीं कर सकते कैसा वातावरण बना। और कभी मुझे यह नहीं लगा कि यह तो तेरापंथी है, यह जैन है, यह स्थानिकवासी है, यह दिगंबर है, या ये ब्राह्मण है, ये क्षत्रिय है, पता ही नहीं चलता। न कभी हम पूछते और न कभी वे बतलाते, ऐसा लगता आदमी है और मनुष्यों की इतनी भारी भीड़ कि
आप भी कल्पना नहीं कर सकते कि कितने लोग कहां से कैसे आते। इसका निष्कर्ष यही निकाला कि पुरुषार्थ और सफलता दोनों साथ चलते हैं। आलस्य में बैठे रहो, आराम से बैठे रहो, सफलता नहीं मिलती। मैंने अनेक बार सोचा कि तेरा पंथ का आचार्य बहुत शक्तिशाली होता है, क्योंकि ऐसा अनुशासन और विनीत संग किसी धर्मगुरु को शायद, उदाहरण दूं तो भी मुझे दृष्टि में नहीं आ रहा। इतने शिष्य, इतने विनीत और इतने सहयोगी, मिलना मुश्किल है। तो वह तो मजे से आराम से बैठा बैठा खूब आनंद ले सकता है, क्यों श्रम करे, क्यों यात्रा करे, क्यों गर्मी में गांवों में घूमे, जरूरत क्या है। अभी तो गर्मी शुरू होगी, सामने गर्मी है, और आज जैसी सड़क आए, गर्मी आए तो घूमना तो बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा कठिन होता है। पर क्यों, एक सिद्धांत हमने आचार्य भिक्षु से सीखा, सुना, समझा, जानते भी हैं कि वे 77 वर्ष की अवस्था में विहार भी करते थे, स्वर्गवास से कुछ समय पूर्व गोचरी भी जाते थे और दूर जंगल में भी जाते थे और खड़े खड़े प्रतिक्रमण करते थे। जब संतों ने प्रार्थना की कि गुरुदेव आपकी अवस्था काफी है, अब आप बैठ बैठ कर प्रतिक्रमण किया करें, आचार्य भिक्षु ने कहा कि तुम समझते नहीं हो, मैं खड़े खड़े करता हूं तो आने वाले हमारे संत बैठे बैठे तो करेंगे, और मैं बैठे बैठे करूंगा तो मुनि महाराज आने वाले लेटे लेटे प्रतिक्रमण करेंगे। एक कितनी दूरदर्शिता थी, कभी पुरुषार्थ करें, हम पुरुषार्थ करें तो उसका परिणाम होगा। और मैं मानता हूं कि सफलता में सबसे बड़ी बाधा आलस्य है, आलस्य। आदमी या सुविधावाद और आराम तलबी, शायद पंडित नेहरू ने कभी कहा था आराम हराम। उन्होंने कहा उससे 2 शताब्दी पहले तो हमारे संघ में तो ये चलता था कि आराम बहुत बड़ा हराम है, आराम हराम है, आराम मत करो, श्रम करो, पुरुषार्थ करो, अपनी शक्ति का नियोजन करो। और भगवान महावीर का एक सुंदर वाक्य है, वीर्यम नो निगूहये, वीर्य को गोपन मत करो, यानी शक्ति को छिपाओ मत, शक्ति का उपयोग करो, उसे छिपाओ मत। एक इतना सुंदर सूत्र मिला, मैं मानता हूँ धर्म के इन बहुमूल्य सूत्रों को कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में धारण करे, अपनी शक्ति को छिपाए नहीं, शक्ति को पूरा काम में ले, नियोजन करें, तो सफलता तो अपने आप मिलेगी। सफलता के लिए कहीं आपको दरवाजे पर दस्तक देने की जरूरत नहीं है, अपने आप आएगी। केवल अपनी शक्ति का नियोजन करो, छिपाओ मत, जो कर सको वह काम करो। तो ये सफलता के 3 सूत्र जिनकी चर्चा की, उद्यम, साहस और धैर्य, और इनका उपाय जाने, उद्यम कैसे करें, हमारा साहस कैसे बढ़े और हमारा धैर्य कैसे बढ़े, इस उपाय की समीक्षा करें तो हर आदमी सफल बन सकता है। यह मत मानो कि करोड़पति के घर में जन्मा वह तो सफल हो जाएगा और गरीब के घर में जन्मा वह असफल हो जाएगा, यह भ्रांति निकाल दो। सच्चाई तो यह है कि करोड़पति के घर में जन्मा सफल होए तो आश्चर्य की बात है, नहीं तो प्राय असफल होने वाले ही पैदा रहते। सीधा धन मिलता है तो असफल होने का रास्ता है, और गरीब के घर में है उसे सीधा धन नहीं मिलता तो वह पुरुषार्थ करता है तो उसके सामने सफलता का रास्ता रहता है। इसलिए इस आगम वाक्य को सदा ध्यान में रखो, अप्पा कत्ता बिकत्ता है, मेरी आत्मा ही सुख दुख करने वाली है, इसलिए मैं आत्मा को सहायता करने वाले सिद्धांतों को, सूत्रों को समझकर अपना पुरुषार्थ करूं। ओम आर
ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः। महाप्रज्ञ गुरवे नमः। ओम श्री महाप्रज्ञ गुरवे नमः।